आश्चर्य हुआ, खुशी हुई, हैरानी हुई कि इतनी सुंदर पेंटिंग्स इन कलाकारों ने माउथ से या फुट से की। और उसके बाद जब लाइव एग्जांपल देखा, इमेजिन कर रहे थे, सोच रहे थे कैसे करते होंगे ये लोग, लेकिन जब मैंने लाइव एग्जांपल देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया कि कमाल है किस तरह से इन लोगों ने मतलब इन कलाकारों ने, हैट्स ऑफ टू देम, मतलब जो जिस प्रकार से फुट से पेंटिंग शुरू करी, चाहे वो पेंट की बॉक्स को खोलना है, चाहे ब्रश को पकड़ना है, चाहे कैनवस को सेंटर करना है, चाहे कलर्स को मिक्स करना है, एवरीथिंग डन बाय फीट, फैंटास्टिक, रियली अप्रिशिएट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हैविंग बीन इनवाइटेड टू इनॉग्रेट दिस एग्जिबिशन, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेट दीज टू वंडरफुल आर्टिस्ट एंड देयर फैमिली, सामने उनके परिवार खड़े हैं, एंड मैं शुभकामनाएं देता हूँ नीलम जी को जिन्होंने इस डिफरेंट किस्म की पेंटिंग एग्जिबिशन का आयोजन किया। मैं यही कहूँगा कि ऐसे इनिशिएटिव और लिए जाने चाहिए। मैं ये भी लोगों से आग्रह करूँगा कि इस एग्जिबिशन को विजिट करें, पेंटिंग्स को खरीदें और इन कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आप को तो हैंडीकैप समझते नहीं, तो हम जो पेंटिंग जो करते हैं उसमें हम इंजॉय करते हैं, तो डिफ़िकल्टी तो हर इसमें आती है, जैसे आप भी अगर पेंटिंग करोगे तो आपको भी डिफ़िकल्टी आती होगी, बट लेकिन हम ऐसा फील करते हैं क्योंकि हम जो आर्टिस्ट लोग जो है वो उसमें इंजॉय करते हैं, तो हम कभी ये डिफ़िकल्टी का वर्ड हमारे माइंड में आता ही नहीं है, हम बस उसमें इंजॉय करते हैं और वो ऑटोमेटिकली वो खूबसूरत बन जाती है, क्योंकि हम बस उसमें कोशिश करते रहते कि कहीं ना कहीं से वो पेंटिंग में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करें, और हम हमेशा वही कोशिश करते रहते। मुझे तो बहुत खुशी होती है पेंटिंग बनाने में, जो नर्वस हो जाता हूँ तो पेंटिंग बना के थोड़ा खुश हो जाता हूँ और बहुत इंजॉय से बनाता हूँ।